أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم As you know that we have started a subject use of emerging technologies in the library. आज इसका लेक्चर नंबर 18 है जिसका उन्वान है डिजिटाइजेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आई माई सेल्फ आबिद हुसैन एंड एमफिल स्कॉलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर और अदर ट्यूटोरियल So you can write your feedbacks on write@gmail.com. So stay with us. What are digitization hardware and software? Digitization hardware and software are essential component of modern libraries, enabling them to convert physical materials such as books, manuscripts, photographs, and documents into digital formats. This process not only helps preserve valuable resources, but also enhances accessibility, facilitate sharing and support various research and educational initiatives. Digitization hardware और software जो है ना आजकल modern library के लिए बहुत अहम मानी रखती है. और इसका काम क्या है कि आपके पास जो physical material है जैसे कि books, manuscript, photographs या दूसरे किस्म के documents को digital formats में बदलने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है. ये जो प्रोसेस है ये ना सिर्फ वैल्यूएबल रिसोर्सेस को और इनकी एक्सेसिबिलिटी यानी अप्रोच यानी रसाई आसान बनाती है, बल्कि इसका काम जो है ना शेयरिंग करना है और रिसर्च एक्टिविटीज या एजुकेशनल एक्टिविटीज को फरोग देना है. बाय लेवरेजिंग दिस डिजिटाइजेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स अ लाइब्रेरियन कैन क्रिएट हाई क्वालिटी डिजिटल कलेक्शन, एक्सपेंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सपोर्ट रिसर्च एंड स्कॉलरशिप एंड कंट्रीब्यूट टू कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन. अगर आप दोनों का इस्तेमाल करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स का लाइब्रेरी में तो इसी से क्वालिटी डिजिटल कलेक्शन में इजाफा हो जाएगा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा और रिसर्च और स्कॉलरशिप की एक्टिविटीज़ में सपोर्ट मिलेगी और इसके साथ साथ आपका जो सकाफती वरसा है इसकी प्रिजर्वेशन में आपको मदद मिलेगी. अभी ये जो थर्ड स्लाइड से डिजिटाइजेशन हार्डवेयर क्या क्या चीज़ें जो कि आजकल हम लाइब्रेरी में इस्तेमाल करते हैं. स्कैनर, फ्लैट बिट स्कैनर्स आइडियल फॉर स्कैनिंग बुक्स, लूज शीट्स एंड डेलिकेट मटीरियल्स विदाउट डैमेजिंग देम. स्कैनर है जिसको क्या कहते हैं, फ्लैट बिट स्कैनर्स. इसका काम आपके पास जितनी किताबें या लूज शीट्स में डॉक्यूमेंट्स है या और दूसरे किस्म के मवाद है जो आपको बगैर डैमेज के स्कैन करके दे देती है. बुक स्कैनर, वी शेप बुक स्कैनर्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू स्कैन बुक्स वाइल प्रिजर्विंग दियर बाइंडिंग एंड पेजेस फ्लैट्स. अच्छा, ये एक वी शेप स्कैनर है जिसका काम बुक को स्कैन करना है और ऐसे तरीके से जो कि बुक को आप खोलने की जरूरत ना पड़े. माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश स्कैनर यूज फॉर डिजिटाइजिंग माइक्रोफिल्म एंड माइक्रोफिश आर कॉमनली फाउंड इन हिस्टोरिकल कलेक्शन. पुराने जमाने में जब आपके पास सीडी और फ्लॉपी डिस्क नहीं था तो चीज़ों को माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश स्कैनर में कन्वर्ट करते थे. डिजिटल कैमरास, हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज टू कैप्चर इमेजेस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, मैनुस्क्रिप्ट्स, आर्ट वर्क एंड अदर मटेरियल्स. आजकल डिजिटल कैमरास बहुत हाई रेजोल्यूशन की आई हुई जिसे HD कैमरा कहते हैं. इसका काम क्या करना है कि आपके पास आर्टिफैक्ट से मतलब ऐसी चीज़ जो कि शादो नादर किसी के पास मिल रहे और मैन्युस्क्रिप्ट या आर्ट वर्क किसी ने लिखा हो उसकी तस्वीरें खिंचवा के आप डिजिटल बना सकते हैं. डॉक्यूमेंट कैमरा पोर्टेबल कैमरा विद एडजस्टेबल आर्म्स फॉर कैप्चरिंग डिटेल इमेजेस एंड वीडियो ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट एंड प्रेजेंटेशन. डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग कैमरे आए. 3D स्कैनर्स आए. वो एडवांस स्कैनर्स यूज फॉर क्रिएटिंग डिजिटल रेप्लिकास ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स बेनिफिशियल फॉर कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड वर्चुअल एग्जिबिट्स. 3D स्कैनर का इस्तेमाल आजकल आया हुआ है लाइब्रेरी में और इसका काम क्या है कि 3D से किसी ऑब्जेक्ट की जो कि कल्चरल हेरिटेज या प्रिजर्वेशन इस किस्म के वर्चुअल एग्जिबिट्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आईडी विजुअल इक्विपमेंट्स इंक्लूड्स इक्विपमेंट फॉर डिजिटाइजिंग एनालॉग ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल सच एज कैसेट्स, टेप्स, VHS टेप्स एंड फिल्म रील्स. आपके पास ऑडियो वीडियो मटेरियल आए हुए इनको भी आप डिजिटाइज कर सकते हैं तो ये हार्डवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब डिजिटाइजेशन सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं कि क्या चीज़ है और लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे. तो ये है OCR सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन कन्वर्ट स्कैंड इमेज आर PDF इंटू सर्चेबल एंड एडिटेबल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एनहांसिंग
एक्सेस एंड यूजिबिलिटीज। इसका काम क्या है कि आप जब पीडीएफ चीज़ों को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करें डॉक्यूमेंट्स में, तो इसका मतलब है इसकी यूजिबिलिटी में इजाफा हो जाता है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल लाइक एडोब फोटोशॉप जी आई एम पी आर स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर फॉर एडजस्टिंग इमेज क्वालिटी, एनहांसिंग रीडेबिलिटी एंड करेक्टिंग इम्परफेक्शन इन डिजिटाइज इमेज। आपके पास इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आए हुए जैसे कि एडोब फोटोशॉप में या दूसरे किस्म के सॉफ्टवेयर है जिससे आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। मेटा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मेटा डेटा एसोसिएटेड विद डिजिटाइज मटेरियल इंक्लूडिंग टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स एंड कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। मेटा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आया हुआ है जिसमें आप जो है ना मेटा डेटा को चेंज कर सकते हैं। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट डेम सिस्टम जैसे कहते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल एसेट्स इंक्लूडिंग इमेजेस डॉक्यूमेंट्स ऑडियो विजुअल फाइल्स ऑफन इंटीग्रेटेड विद मेटा डेटा मैनेजमेंट। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को करना, स्टोरिंग करना या रिट्रीविंग डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को, उसमें इमेजेस भी आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, ऑडियो और वीडियो फाइल्स भी आ सकते हैं, आप इसकी रसाई मुमकिन बना सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लाइक ओमिका कंटेंट डीएम एंड डी स्पेस फॉर स्टोरिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड शोकेसिंग डिजिटाइज कलेक्शन ऑनलाइन इंक्लूडिंग फीचर्स फॉर यूजर एक्सेस सर्चेबिलिटी एंड एग्जीबिशन क्रिएशन। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आजकल डी स्पेस सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। इसका काम स्टोरिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और शोकेसिंग करना किस चीज़ को? डिजिटल कलेक्शन लाइक थीसिस या आपके पास रिपोर्ट से। ओसीआर करेक्शन टूल्स सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर रिव्यूइंग एंड करेक्टिंग ओसीआर जनरेट टेक्स्ट टू इम्प्रूव एक्यूरेसी स्पेशली यूजफुल फॉर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विद कम्प्लेक्स लेयर्ड और हैंड रिटन टेक्स्ट। डिजिटल प्रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर लॉन्ग प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल मटेरियल्स इंश्योरिंग दियर इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ओवर टाइम। ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिसके मैंने नाम इनकम्पास किए हैं। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे साथ भी रहिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।